आशुतोष जी प्लीज, आपका जिला अवधेश जी, आपका घर अवधेश जी, आपका एरिया अवधेश जी, आपके लोग अवधेश जी, 500 लोग वहां खड़े हो, मैं भी आता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं इस अक्यूराइट चैनल पे, मैं बोलता हूं आप बोलिए। अगर आप वहां पे सच हो जाएंगे और जनता आपकी बात मान लेंगी, यकीन मानिए कि हिंदुस्तान पे कभी भी किसी आंदोलन में भाग नहीं लूंगा और कभी अपने हकों के लिए नहीं बोलूंगा। शर्त मंजूर करिए इसी चैनल पे आकर के। सर आपका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, गला आप विरोध कर रहे हैं, आप देश के निवेशकों का विरोध कर रहे हैं, आप देश के निवेशकों का विरोध कर रहे हैं, आप देश के पीड़ित साथियों का विरोध कर रहे हैं, आप जिन लोगों ने एजेंटों ने जान दी उनके परिवारों के साथ विरोध कर रहे हैं, गलत बात मत कहिए। आप लोग बात को तोड़ मटोड़ के पेश करते हैं, हम लोग साफ सुथरा बात बोलते हैं और सच बात बोलते हैं। सर सुन लीजिए, हमने कहा आज साफ होते तो ये नौबत नहीं आती, आप साफ होते तो ये नौबत नहीं आती। ऑफिस खोलना किसने रोका ऑफिस खोलने के लिए? कल बैठिए ऑफिस में अपने, हम भी आ रहे हैं 1000 लोगों के साथ, पैसा दे दीजिए, हमको को क्या विवाद है भाई? पैसा सर अब तो सीआरसी और सरकार से भी देगी ना सर, आप सुन लीजिए मेरी बात, क्या लेना देना? तब फिर क्यों बिना मतलब बात बजाए, तब फिर क्यों बजा रहे हैं, तो फिर क्यों बजा रहे हैं आप? हमको आप ही ने सर कहा, अरे सर सुन लीजिए बात, आप ही ने सर कहा कि जमाकर्ताओं को जीत हुई, उस जीत में हम भी सोच रहे हैं कि कहां जीत हुई। दूसरी बात सुन लीजिए, पहले तो शामिल हो जाइए ना, मैं बता रहा हूँ कहां जीत हुई। 12 साल तक सुब्रत राय जी इस्तीफे चले गए, नहीं पर पाए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, डंडा डाल दिया कि नहीं डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुन लीजिए सर, ये आपकी जीत नहीं है भाई, सुन लीजिए सर, थुक्के चाटिए 1 साल पहले, थुक्के चाटिए 12 साल बाद, बात तो बराबर है, थुक्के चाटा है सहारन, वही तो बात सर बता रहे हैं आपको, और किसी का जीत नहीं हुआ है। नहीं सुनिए आप सर, आप लोग कह रहे हैं जीत, किसी की जीत नहीं यार, हम 12 साल पीछे चले गए सर। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए एक मिनट, किसकी किसी निवेशक ने आपसे कहा कि 12 साल आप लगे? निवेशक ने आपका मदद किया, नहीं बोला, आपके साथ खड़ा रहा। सुन लीजिए सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, खाली आप ही बोलते रहिएगा तो हम क्या कहेंगे? आप बोल नहीं दीजिएगा सर, आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। अगर 5000 लोग आत्महत्या कर गए तो सेबी कहां था? सेबी काहे नहीं पैसा दिया उनको? और जो सरकार गया तो 5000 इमीडिएट क्यों दे दिया? सहारा कहां थी? अब तो सहारा तो आप ही ने कर, सुन लीजिए, सहारा को तो आप ही कह रहे हैं कि चोर है, बेईमान है, वो आत्महत्या, आप ही की बात हम मान लेते हैं, तो आप ही ने कहा कि सारा चोर है, तो सहारा तो पहले ही कहा है कि सोसाइटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तो सारा पैसा रियल एस्टेट का था, रातों रात कन्वर्ट कर दिए, तो सरकार को क्यों दिया 5000 करोड़ रुपया सोसाइटी का पेमेंट करने के लिए? क्यों दिया सर, पूछिए बताइए कि सीआरसी ने वो पेमेंट दिया तुम्हारे जो आंदोलन करके झगड़े से खींच करके 5000 करोड़ उसी से भी सहारा से ले आया, से भी सहारा से खींच करके 5000 करोड़ रुपए सोसाइटी में ले आए, आंदोलन ने करके दिखाया, भुगतान सर हुआ? आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो पाया, आप सहारा के उखाड़े अब बथुआ नहीं उखड़ेगा, सुनिए सहारा के उखाड़े बथुआ नहीं उखड़ेगा। एक मिनट, इन लोगों के बिल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना पानी पटा दिया कि बिल से चूहे जो है कि एकदम बिलबिला कर बाहर निकल रहे हैं, क्या हो गया, वाह हो गया, पैसा जो है आप 15000 के लिए घुरकी लगाए थे कि 15000 करोड़ हमको मिलेगा, उल्टे जो है कि आपको 10000 करोड़ देने का ऑर्डर आ गया, शर्म होनी चाहिए, 12 साल बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए, जो कंपनी का पालन नहीं करे उस पर कभी भरोसा मत कीजिए, आप जो कंपनी कानून का पालन नहीं करे उस पर कभी भरोसा मत कीजिए, ले लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ले लेंगे, 20 दिन जो ही नहीं रहा, 20 दिन की प्रॉब्लम जो ही नहीं रहा, पैर का मुआ दिया बीच बाजार में, हम लोग को इज्जत जो है कि नीलाम कर दिया, रोज गाली सुनता है, रोज ठीक है, ठीक है, रोज मोटाई छिला जाता है, रोज गर्दन में गमछा लगाया जाता है,
करके यहाँ पे बयानबाजी दे रहे हो, हमने घरों में नहीं रहता होगे, ये बात ना सर। एक करेंगे आप पहले जान लीजिए, वहाँ के जमाकर्ता को एकत्रित करेंगे, आपको जवाब देंगे। वो बात जी आपके आर एम ने कहा था, उनको थोड़ा सिखा दिया था हमने। शुक्ला सर एक मिनट सर, शुक्ला सर एक मिनट, शुक्ला जी एक मिनट। इनको हम पहले दिन ही चेता दिए थे किसी चैनल पर लाइव में आकर के शब्द भाषा न बोले। आ इनको ना दो आदमी है सहारा के दलाल, सर इनको समझाइए क्या बोल रहे हैं। दो है सहारा कुत्ता कहीं ना, चलो सब रे कमीना रे। अयोध्य सर शांत रह जाइए, चुपचाप रहिए ना। समझाइए कोई क्या के ये निवेशक है, जब निवेशक है जब तो ऐसी कर डालेगा। हम भी निवेशक है, आप तो भ्रमित कर दिएगा नहीं, भ्रमित कर रहा है। सवाल जवाब और हर स्तर से गुजरेगी, ध्यान रखिए सर, ऐसे पत्ते नहीं जो टूट जाए। ठीक है जो बोला रहे, अरे हमारी औकात देखने की आपको हैसियत नहीं है सर, बस बस बात झूठ क्यों बोलते हैं चैनल पर, अरे झूठ क्यों बोलते हैं, बता रहा हूं आप सच बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं आप सच बोलते हैं, ये कौन किया है ये क्यू शॉप में काट दिया, उसका फार्म भर दिया, आते हैं गोपालगंज हम आते हैं आपके जनता के बीच में पूछते हैं, निकाल दिया नहीं है जी। लाल जी एक मिनट एक मिनट, एक सवाल है मेरा, एक सवाल नहीं है, एक सवाल का जवाब, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं लाइव से निकल जाऊंगा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके 16 राज्यों में स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालित है, ठीक है, आप ये बताइए स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो संचालित है इसका भुगतान सेंटर रजिस्ट्रार करेगा या सेबी करेगी या सरकार करेगा, ये जवाब दीजिए। जो स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस सरकार, जब सरकार बंद नहीं किया है तो चल रहा है, सरकार तीन कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिल्ली हाईकोर्ट रोक लगा है तो बंद हो गया, सरकार अगर चाहेगी कि बंद हो जाएगा तो वही बात तो बता रहा है। वही एक मिनट वही फिर से दोहरा है, फिर से दोहरा रहा हूँ, इसको कार्य क्षेत्र इसका 16 राज्यों में कैसे काम कर रहा, 16 राज्यों में कार्य कैसे कर रहा, क्या इसको अधिकार है? बस अवधेश जी ऑफिशियल आप इस चीज का जवाब दे दीजिए, जो स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालित है करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का उसमें जमाकर्ताओं का निवेश है, उसका भुगतान सेंटर रजिस्ट्रार करेगी, सेबी करेगी या सरकार करेगी, या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन सरकार कार्रवाई करे और स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद कर दे और आप लोग कह दे कि सेंट्रल रजिस्ट्रार से भी इसका भुगतान करेगी, आप थोड़ा इस पर चर्चा डालिए। आशुतोष जी इस पे इस सवाल को आप बिल्कुल नोट करें और जो अवधेश जी इसका जवाब दे, इस जवाब को आप हमेशा याद रखें, धन्यवाद। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर लाइसेंस किसने कौन देता है? सहकारिता मंत्रालय, तो सहकारिता मंत्रालय लाइसेंस दिया सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल और हमारा एनडीए का, तो सरकार चाहा कि ये दूंगा, एक मिनट जवाब दूंगा इसका, सहारा जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस दिया जाता है किसी भी सरकारों के द्वारा, वो इसलिए नहीं दिया जाता कि आप जमाकर्ताओं से सदस्यों से पैसा कलेक्ट कर ले और फिर उसका आप पैसा वापस ना करे, इसलिए नहीं दिया जाता, इसलिए दिया जाता है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाए, जमाकर्ताओं को धन एकत्र करें, समय होने के पश्चात उनको वापस करें, उस पर लोन भी आप दे सकते हो और ये सामाजिक कार्यों के लिए
छोटे मोटे बहुत कार्यों के लिए पैसा लिया जाता है। ये सुब्रत राय की एमबी वैली में लगाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता। वो जो आपने बात की ना, आपने बात की है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया है, ये वो पैसा दिया है जो चोरी से कोऑपरेटिव सोसाइटी का निकाल के आपने एमबी वैली में आपने सुब्रत राय की जमानत में लगाया, ये पैसा वो मांगे गए आपको और 2,223 करोड़ रुपए। ऐसा है अवधेश जी, अज्ञानी मत बनिए। कोऑपरेटिव सारी बात तो सर आप ही कहते हैं, आप सारी बातें तो आप ही कह रहे हैं, तो जो बात बता रहे हैं सुनने के लिए नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 50 पत्र आपको दिए हैं और 50 पत्र मेरे पास है जो आपको भेजेगा, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजे कि आपने जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया। अगर आशुतोष जी आपको वो पत्र चाहिए तो वो पत्र मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इन्होंने उसका पालन नहीं किया। सहारा चाहती यही थी